आपको ना ब्लॉग का शुरुआत की आज इधर से ही करते हैं। इधर देखें, अभी कल वाले ब्लॉग में उन्होंने कहा बिल्ली आ रहा है, मैं नज़र नहीं आ रही। कल या परसों का है ना? हाँ जी। तो आज बिल्ली आ गई अपना मुंह दिखाने में। मैं अभी यहाँ ही हूँ। वो देखे कितने प्यार से सोई हुई है बेचारी। चलो सोई रहे, इसने अभी तक हमारा कोई नुकसान नहीं किया। पिछली वाली बिल्ली ने किया था, हमारा खरगोश का बच्चा उठा के ले गई थी। दाना वगैरह इनको डाल दिए और खा भी लिया इन्होंने, थोड़ा सा और डाल देते हैं इजाफी, वरना इन्होंने खा लिया और जितना इन्होंने खाना था। और पानी वगैरह चेंज कर दो भी बस। तो भी हमने अंदर जाना है, एक और काम करना है, और ये शरारतियों के बच्चे भी देखने हैं निकले हैं नहीं, क्योंकि दिन आजकल में पूरे हो जाने थे। वो देखो अंदर जाके पानी पी रही है, तो ना एक और काम करना है, वो वाला काम करते हैं अभी अंदर जाके। ये तो मेल अभी बैठे हुए हैं ना अंडों पर, क्योंकि अभी फ़ीमेल बाइट है, जब हम फीमेल को अंदर करेंगे फिर इनको खोलेंगे। अभी अंदर ही रहो। अभी यार इनका कोई बच्चा नहीं निकला, इनका मेरे ख्याल से बच्चा निकला आना चाहिए था आजकल में। तो यार जो से है ना ये वाले, ये कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो मैंने साइड पर ये निकले हुए हैं, ये हमने रखने हैं लव बर्ड के ना मटकी के अंदर। पिछली दफ़ा याद है हमने ये रखे थे, तो लव बर्ड ने ना 7 से 8 दिन बाद फिर अंडे दे दिए थे, तो ये फिर से रखते हैं, शायद फिर से दे दे जल्दी अंडे, तो रख के देखते हैं। अभी यार नेस्टिंग मटेरियल मैंने जमा कर लिया, इतनी ठीक है, बिना इनके ना मटकी में रखते हैं। वो सामने जाके बैठ गया, कोई अंडा तो नहीं पड़ा हुआ इनका, हमने सारे निकाल दिए थे। अभी इनको बाहर निकालते हैं और फिर रखते हैं नेस्टिंग मटेरियल। फीमेल तो बाहर आ नहीं रही, वो आगे से ना काटियाँ कर रही है, तो वो यार ये बहुत ज़ोर से काटी काटते हैं, तो इसलिए हम ना इनको छेड़ते नहीं हैं। जब ये बाहर आएगी तब भी रखेंगे, मेरा प्लान हो गया अब कैंसिल इनका रखने वाला, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से काटते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है इन्होंने अंगूठे पर काटा था और खून ही नहीं रुक रहा था, इतनी ज़ोर से काटा था इन्होंने। इन पर नहीं मेरा यकीन करना, अंदर मैं हाथ मारूँ और ये मुझे काट लें, बाद में मेरे जाना किधर है। अभी चलते हैं बाहर ही, जब वो बाहर आएगी ना तब देखेंगे। और इनका भी देख ही जाते हैं, इन इसके बच्चे आए, इसका तो अभी मैंने कल वही, ये इधर नेस्टिंग मटेरियल थी किधर गई? ऐसे तो नीचे से सारी हवा लगेगी, ये ना ये अंडे ख़राब कर ले। इसका भी नेस्टिंग मटेरियल दोबारा रखते हैं। अच्छा ये वाली नेस्टिंग मटेरियल ये ऊपर से गिरी थी, अभी दोबारा रखते हैं इसकी नेस्टिंग मटेरियल भी। यार जो से ना ये नेस्टिंग में नहीं रख दिए, अभी रखते हैं अंडे। और डव भी आ गई इधर, तो ये भी जा कर ना बैठती है। यार मुझे आपको क्या लगता है ये निकाल लेगी बच्चे? अकेली डव भी बैठती है, हालांकि ना अगर एक डव अंडे दे ना तो मेल भी साथ बैठता है, एक टाइम मेल बैठता है एक टाइम फीमेल बैठती है। तो इसके ना अंडों में मैंने भी कैंडलिंग की थी कल, तो यार बच्चे तो मुझे ना दिख रहे थे बनते हुए, तो आगे पता नहीं अब निकाल पाएगी नहीं। आप भी कमेंट में बताना कि निकालेगी या नहीं। मुझे लगता है एक टाइम वेस्ट कर दिया अपना, मेरे ख्याल से तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक अकेली फ़ीमेल नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेल भी एक टाइम बैठता आता है। ये देखे ना हमारे पास ये मेल था ये फ़ीमेल था, इन दोनों ने मिलके ये बच्चे निकाले थे। ये भी बच्चा इनका ही है, ये वाला जो ब्लैक बैठा है ये भी इनका ही है, और एक वाइट भी होगा वो मेरे ख्याल से वो बैठा हुआ पीछे, वो भी इनका ही है, वो गई चली। तो यार अभी ना मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी है ऊपर वाले केस से, अगर तो बच्चे आ गए यार ये हमारे लिए ना बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, क्योंकि यार कितनी देर हो गई है कि ना ऊपर से पट्टे ही थे हमारे पास बच्चे जिसे कहते हैं, तो बच्चे नहीं आए थे काफ़ी दिनों के बाद। अब मुझे देखने को शायद मिल जाएं, क्योंकि इस मटकी से आ रही थी आवाज़, ये मेल है और इसकी फ़ीमेल भी अंदर होगी, तो भी देखते हैं थोड़ा सा करके, अल्लाह करे बच्ची आए सरप्राइज़ मिल जाए हमें। तो फीमेल बैठी हुई, इसे मैं थोड़ा सा ला के देखता हूँ। यार माशाल्लाह देखें एक बच्चा आ गया, और भी अंडे भी हैं माशाल्लाह। यार ये तो बड़ी सरप्राइज़ की बात है, और वो फीमेल बैठी हुई है माशाल्लाह, और ये उसका मेल, तो दोनों बहुत प्यारे हैं, इसका मतलब बच्चे भी प्यारे ही होंगे। यार ये बड़ी सरप्राइज़ की बात मिली, अभी कबीर को भी बताते हैं। कबीर ज़रा अंदर आओ, इधर आना, भला ऊपर वाले केज में नहीं ना बच्चे आते थे? नहीं। यार माशाल्लाह देखो आज आ ही गया, एक बच्चा आ गया। यार अभी मैं इधर बैठा हुआ था ना, तब मैंने सुना दिया था, मैंने इग्नोर कर दिया था पहले, मैंने कहा था अभी अंदर आई हैं तो देख ही लेते हैं शायद बच्चे आ ही गए हों। तो माशाल्लाह यार ये तो बड़ी सरप्राइज़ की बात मिली है, मैं इधर भी बच्चे आए, इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना ये जो से बैठे हुए ना ये भी अब सारे ब्रीड करेंगे, क्योंकि अब ये भी ना अडल्ट हो गए हैं, और ये तो एक बच्चा ही है ना, ये तो नहीं अभी अडल्ट हुआ। इसका भी जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना और फ्लाइंग करने लग पड़ेगा खुद ही, तो इसका भी ना हम उठा के ना इधर ऊपर शिफ्ट कर देंगे, बाकी हमारे पास सब फिर सारे ब्रीडर पेयर हो जाएंगे। अब जो से बच्चे निकलेंगे वो होंगे बस हमारे पास बच्चे। तो यार इसको भी अभी बाहर निकालना है, और फीमेल को सबको अंदर करना है, और जिसके लिए मैं अंदर आया था वो लोग अभी बाहर ही नहीं निकली, फीमेल बाहर निकलेगी तब भी मैं ये डाल पाऊँगा अंदर, वरना नहीं डाल पाना मैंने।
मैंने भी देखा है, तभी इनको ज़्यादा अब देखना नहीं है, ये ना मैंने तुम्हें बता दिया था, तुम देखते ही रहो, क्योंकि ज़्यादा देखेंगे अभी तो बच्चे ये ना मार देते हैं, तो कबीर को मैं अक्सर बताता नहीं हूँ अगर बच्चे निकल आए, क्योंकि ये ना देखता ही रहता है फिर इन्हें। यार वो पकड़ाना मुझे, ये भी गई चली गई, अब अपने अंडो पर जाके बैठेगी, एक और दूसरे वाले भी पकड़ाओ मुझे, अब अंडे को सेट कर दिए फिर अपनी जगह बना के बैठेगी। इधर बेताब हो रहे हैं कि मुझे भी बाहर निकालो, फीमेल अंदर भेजेंगे तो इनको बाहर निकालेंगे हम, नहीं उसने उसे निकाल दो बाहर, वो उसने आ जाए खुद ही, ये सेंटिनल की फीमेल अंदर नहीं गई, शराजियों की गई चली थी, वो अब मेल आ जाए क्योंकि मेल ही ज़्यादा बेताब हो रहा था बाहर आने के लिए, आ रहे हैं नहीं ये आ गए, बस ठीक है इसको निकाल दो, ये भी बेताब हो रहा था कि बाहर निकाल दो, बार बार उड़ के आ रहा ठंडों से उठ के, इसको डालते दाना। तो यार इनके अंडों की मुझे टेंशन हो रही है, क्योंकि यार बच्चे यहाँ इनको बैठने नहीं देते थे अंडे पर, अंडे इनके ख़राब तो नहीं हो गए, आज एक बच्चा निकलना चाहिए था, दिन पूरे हो गए हैं, शायद सुबह तक निकल ही आए, ये सिर्फ मैंने मेल के लिए दाना डाला था, सारे आ गए हैं, लगता है सारे भूखे थे अभी तक। इन्होंने बचा दी है, तो गंदम तो इधर हमने धूप लगवाने के लिए डाली हुई थी, थोड़ी सी गंदम लेते हैं इसमें से, इनको भी डालते हैं, ये भी खाएंगे, शुक्र है ये ऊपर आते नहीं है, वरना इन्होंने सारी गंदम खिला देनी थी, ये खाएं गंदम भी, केला बाजा ही छोड़ दिया था इन्होंने। यार दो दिन इन्होंने अंडे नहीं दिए, सिर्फ दो दिन लगातार इन्होंने अंडे दिए हैं, वो भी हमने नकली अंडे इधर रखे हैं, पुराने जो से इनके असली अंडे हैं वो हमने नीचे रखे हुए हैं, और इनको पता नहीं क्या हो गया है, दो अंडे दे के इन्होंने स्टॉप कर दिया है, मेरे ख्याल से ना यार ये दिन टाइम अंडे देते हैं तो ये जो से हमारी इधर नेक मुर्गियाँ खड़ी हुई हैं ना, ये खा जाती हैं इनके अंडे भी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इन्होंने लगातार अंडे देने थे, मगर दो रात टाइम दिए हैं जो से वो बच गए हैं, जो से इस केज में आके दिए हैं वो मेरे ख्याल से खाए गए हैं, और इनका भी अब पक्का सबूत हो गया कि ये ना अंडे खाते ही खाते हैं, क्योंकि यार जर्दी इधर पड़ी हुई थी, वो ब्लैक वाली मुर्गी उठा के लाई, उसके साथ तूड़ी लगी हुई थी, तो यार एक और ये आई ब्लांडे लेके आओ, ये मुर्गी के रहते हैं ना, मुर्गे से थोड़ा सा टाइट करके हम लगाएंगे, तब जाके ना फिर नहीं उतार पाएगा, आज रात को लगा के जाना है हमने, सुबह अंडा उठाना है इंशाल्लाह, कल सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे अंडा मिला है या नहीं मिला, हमने हर एक हल कर लिया है, आई ब्लेंडर भी ले आए, कल लगा के देख लिया है, नकली अंडे भी रख के देखनी है, मगर कुछ नहीं हो रहा, आज फिर से लगाएंगे इंशाल्लाह, सुबह हम ना अंडे के साथ ही व्लॉग स्टार्ट करेंगे। ये दे दो मुझे एक, आज हमने शाम को लगा के फिर नीचे जाना है, सुबह इंशाल्लाह सुबह व्लॉग स्टार्ट करेंगे, वो भी अंडे के साथ, अंडा हमने उठा लिया ठीक है ना, तो बस ठीक हो गया। इंशाल्लाह अंडे के साथ ही शुरू होगा।